गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू मेडिजी। ओके, ऑल वेल? साउंड प्लीज चेक द साउंड, ऑल ओके? ओके माय डियर, ओके, सो ऑल ओके? आई थिंक वॉल्यूम इज क्लियर टू यू। सो माय डियर, वी आर गोइंग टू कवर दैट मशीन डिजाइन टॉपिक। सो यहाँ पे मैं आपके लिए सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मशीन डिजाइन लेके आया हूँ, जिसमें सबसे ज़्यादा जरूरी बात जो है कि मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, उसके स्क्रीनशॉट के लिए आपको मैं अप्रोक्सीमेटली 15 सेकेंड दूंगा, देन आई गो थ्रू द सोल्यूशन और आप भी अपना सोल्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं और आप अपने सोल्यूशन को फिर मेरे सोल्यूशन से मैच भी कर सकते हैं। ओके, सो मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको कुछ समय जरूर दिया करूँगा। सो माय डियर, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द मशीन डिज़ाइन। सो ऑल इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, लगभग हर टॉपिक को मैंने टच किया है और कोशिश करिए कि एक ही क्वेश्चन के थ्रू लगभग सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएं। सो माय डियर, बिना वेस्ट किए हुए टाइम, जैसा कि मेडी जी में हम लोग करते हैं, कि पहला क्वेश्चन से सीधे शुरू करते हैं। और जो पहला क्वेश्चन है मैंने आपका फटीक डिज़ाइन से लिया है, एंड दैट क्वेश्चन इज अ केस ऑफ फटीक when biaxial state of stress is acting. So my dear, this is the question, take a screenshot, after 15 second I will start the solution. Okay my dear, so सबने स्क्रीनशॉट ले लिया माय डियर? यस 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 यस। सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस। ओके, जो स्टूडेंट सॉल्व करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, मैं भी अपना सोल्यूशन स्टार्ट करता हूं। सो माय डियर, एज लेट हाईलाइट द इंपॉर्टेंट टर्म्स इन दिस क्वेश्चन। अ मशीन कंपोनेंट इज सब्जेक्टेड टू टू डायमेंशनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस। ओके, द टेंसाइल स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन वेरीज फ्रॉम 40 to 100 मेगापास्कल और यू कैन से न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, व्हाइल द टेंसाइल स्ट्रेस इन वाई डायरेक्शन वेरीज फ्रॉम 60 to 120। ओके, सो इट इज द केस ऑफ बाईएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, जहां पे दोनों एक्स डायरेक्शन में भी वेरी कर रही है और वाई डायरेक्शन में भी स्ट्रेस वेरी कर रही है। ऑब्वियसली बात है, टेंसाइल स्ट्रेस है। यस, एंड द इंपॉर्टेंट टर्म इज दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज स्ट्रेसेस आर सेम। इस वर्ड का मतलब समझिए कि फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज स्ट्रेसेस आर सेम का मतलब है कि जब ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू को छूता है एक्स वाला, एट अ सेम टाइम वाई स्ट्रेस इज ऑल्सो बिकम्स मैक्सिमम, एंड व्हेन एक्स डायरेक्शन स्ट्रेस बिकम मिनिमम, एट दैट टाइम स्ट्रेस इन वाई डायरेक्शन ऑल्सो बिकम्स मिनिमम। सो फ्रीक्वेंसी सेम होने का मतलब है कि हम लोग उनकी मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू या उनकी मीन या स्ट्रेस एम्पलीट्यूड निकाल के थ्योरी ऑफ फेल्योर को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि माय डियर जब बाईएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस का केस है तो थ्योरी ऑफ फेल्योर भी लगनी है और माय डियर सोडरबर्ग गुडमैन इस तरह की इक्वेशंस भी लगनी है जो फटीक क्राइटेरिया से डिजाइन करती हैं। ओके माय डियर, ओके ओके, सो द करेक्टेड एंड्योरेंस लिमिट ऑफ द कंपोनेंट इज डायरेक्टली गिवन, दैट इज वेरी गुड, अदरवाइज हमें ढेर सारे फैक्टर्स को लेके ये निकालनी पड़ती, दैट 270 इज गिवन। ओके, एंड एस यू टी वैल्यू इज गिवन 660 एंड यील्ड स्ट्रेंथ इज ऑल्सो गिवन, दैट इज 400। ओके, डिटरमाइन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी, एंड माई डियर द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द गेट इज आस्किंग नाउअडेज बाई यूजिंग मॉडिफाइड गुडमैन। सो मॉडिफाइड गुडमैन से उसने फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहां से। अक्सर अब वो गुडमैन ना पूछ के मॉडिफाइड गुडमैन पूछता है, सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके माय डियर, ओके ओके ओके, सो इन एक्स डायरेक्शन मैक्सिमम स्ट्रेस एंड मिनिमम स्ट्रेस बोथ आर गिवन, and what is the value of maximum stress, and that value in x direction is, maximum value in x direction is 100 and minimum value is 40 megapascal. Okay, in y direction sigma max is and sigma min both are given, and that values are 60 and 120. So maximum
जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड रखती है उसको नाम देते हैं. ओके माय डियर, ओके. सो नाउ वी कैन टेक अ मीन इन एक्स डायरेक्शन, सिग्मा मीन इन एक्स डायरेक्शन. सो वी टेक अ मीन, सो दैट इज 100 प्लस 40 बाय 2, दैट इज 70 मेगापास्कल. एंड नाउ वी कैन फाइंड आउट द स्ट्रेस एम्पलीट्यूड इन एक्स डायरेक्शन. एयर प्रेजेंट द स्ट्रेस एम्पलीट्यूड एंड दैट इज 100 माइनस 40 बाई 2 एंड दैट इज 30 मेगापास्कल. सिमिलरली वी टेक अ मीन इन वाई डायरेक्शन एंड दैट इज 120 प्लस 60 बाई 2 दैट इज 90 मेगापास्कल एंड टेक अ एम्पलीट्यूड इन वाई डायरेक्शन एंड दैट इज 120 माइनस 60 बाई 2 दैट इज अगेन 30 मेगापास्कल. ओके, सो माय डियर, एक्स डायरेक्शन में भी मीन मिल चुका है, वाई डायरेक्शन में भी मीन मिल चुका है, और अब हम इनके मीन में जब थ्योरी ऑफ हेलो लगाएंगे तो एक्चुअल मीन निकलेगा. एंड सिमिलरली हम स्ट्रेस एम्पलीट्यूड इन एक्स डायरेक्शन एंड स्ट्रेस एम्पलीट्यूड इन वाई डायरेक्शन में जब हम थ्योरी ऑफ हेलो लगाएंगे तो माय डियर स्ट्रेस एम्पलीट्यूड निकलेगा दोनों का कंबाइंड इफेक्ट से. सो नाउ वी आर गोइंग टू यूज थ्योरी ऑफ फेल्योर एंड इफ नथिंग इज मेंशन वी आर गोइंग टू यूज एमडीटी एंड एमडीटी रिजल्ट सेज दैट सिग्मा इक्विवेलेंट इज सिग्मा वन स्क्वायर सिग्मा टू स्क्वायर सिग्मा वन सिग्मा टू अंडर रूट. सो बाय यूजिंग दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट द मीन स्ट्रेस. ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. ओके ओके ओके, 3.57 इज द राइट आंसर. वेल डन स्टूडेंट्स, मैं भी पहुंचता हूं जल्दी से. सो नाउ वी कैन फाइंड आउट द मीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेस एम्पलीट्यूड. सो मीन इन एक्स दैट इज 70 स्क्वायर in x direction means 70, y direction means 90, and now we are using this theory of failure that is 70 square 90 square 70 into 90 under root. So I hope this value is 81.85 megapascal. Okay, similarly the stress amplitude we can find out, amplitude in x direction that is sigma 1, so that is 30, again that is 30, so no need to do this. This answer is again 30. Okay, okay. So now this is the actual magnitude of mean stress, magnitude of stress amplitude. And now what is modified Goodman theory? So modified Goodman theory modified Goodman is the safe result of comparison between two theories. One is Goodman, other one is Langer or yield line. So what is Goodman? That is sigma mean upon SUT, sigma A upon sigma E, 1 upon N, that is Goodman, and sigma mean upon SYT, sigma a upon syt. इन दोनों में जो ज्यादा सेफ्टी का ध्यान रखेगा दैट आंसर विल बी ऑफ मॉडिफाइड गुडमैन. सो माय डियर, हमें दो बार फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है. एक बार हम ऊपर वाली इक्वेशन से दैट रिप्रेजेंट द गुडमैन, एक बार हम नीचे वाली इक्वेशन से निकालेंगे दैट रिप्रेजेंट द लैंगर. और जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी दोनों में से बहुत बार डिस्कस किया है माय डियर, जो छोटा फैक्टर ऑफ सेफ्टी आए दैट विल बी द फाइनल आंसर. क्योंकि जब सेफ्टी चुननी है तो वो थ्योरी ज्यादा बेटर होगी जो मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी असाइन करती है, जो कि हमने क्लास में बहुत बार डिस्कस किया. सो बहुत क्विकली हम गुडमैन से आंसर करेंगे और बहुत क्विकली हम लैंगर से आंसर करेंगे. सो गुडमैन और लैंगर दोनों से फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालते हैं. आई पुट द डायरेक्टली डेटा हियर, 81.85
SUT that is given 660, I think. And that is sigma A, that is 30 upon S, sigma E is 270. So this is the factor of safety you can find out here. And one more time, you have to find out the factor of safety, that is 81.85, and that is 400. So here you again find out the factor of safety. Please do some calculations, my dear. जो पहला आंसर आएगा हमारा, जो पहला आंसर आएगा हमारा वो 4 point something आने वाला है. That is 4.25 and the other answer is 3.57. बहुत बार डिस्कस किया है और जिन्हें नहीं समझ में आता है, जो स्टूडेंट शायद मेडी जी के नहीं है, मेडी जी में तो मैंने अच्छे से भी डिस्कस किया है, लेकिन वो याद कर ले माय डियर, कोई भी स्टूडेंट हो, नुकसान नहीं होना चाहिए. कभी भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछा जाए, आप हमेशा छोटा आंसर करेंगे. क्यों, एक्सप्लेन करने का समय नहीं है, लेकिन याद रखना है. सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3.57. ओके माय डियर, ओके ओके. तो बहुत सारे स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है, काफी अच्छा लगा मुझे. वेल डन गाइस, वेल डन, वेल डन, वेल डन. स्मॉलर वन इज द फाइनल आंसर. जितने भी ये बड़े आंसर कर रहे हैं, माय डियर कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक कर रहे हो यार. इतना समय नहीं है तो मैं यहीं पे पढ़ा देता. माय डियर नेक्स्ट प्रॉब्लम पे पढ़ते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉब्लम, एंड लेट मी डिस्कस द नेक्स्ट प्रॉब्लम, दिस वन. ओके ओके, सो माय डियर ये जो प्रॉब्लम है ना, मैंने ये उठाई है मैंने क्यूमुलेटिव फटीक से. व्हाट इज क्यूमुलेटिव फटीक? क्यूमुलेटिव फटीक मींस इन डिफरेंट टाइम डिफरेंट लोड इज एक्टिंग, एंड हाउ वी आर गोइंग टू यूज एसएन कर्व, हाउ वी आर डू फॉर कैलकुलेशन फॉर एसएन कर्व, वी सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम. इस तरह की प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये माइनर रूल से सॉल्व होता है. इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग क्यूमुलेटिव फटीक और माइनर रूल्स का कॉन्सेप्ट सीखेंगे. जल्दी से मैं आपको 15 सेकेंड देता हूं, टेक अ स्क्रीनशॉट और मेरे साथ अटेम्प्ट करिए. आदि साहा कह रहे हैं लास्ट क्वेश्चन में हम ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते थे. यस माय डियर, यू कैन यूज द ग्राफ, पर एनालिटिकल मेथड थोड़ा ज्यादा आसान पड़ता है. जो बुक में दिया है, इवन बीवी भंडारी बुक में दिया है, ग्राफिकल मेथड सॉल्व किया है, पर ग्राफिकली थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है, इसलिए मैंने एनालिटिकली सॉल्व किया. लास्ट क्वेश्चन की बात हो रही है, चलिए इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. यस, जो लोग ग्राफ से सॉल्व कर सकते हैं करें. इस क्वेश्चन पे आते हैं, वेरी गुड प्रॉब्लम. यस यस यस, दिस क्वेश्चन इज सॉल्व बाई माइनर्स थ्योरी या माइनर्स रूल. इस माइनर रूल्स को कैसे अप्लाई करते हैं, सीखते भी हैं, अप्लाई भी करते हैं. ओके, क्वेश्चन को रीड करते हैं. वर्क साइकिल ऑफ अ मशीन कंपोनेंट इज सब्जेक्टेड टू कंप्लीटली रिवर्स बेंडिंग. ओके, सो हम सब जानते हैं एस एन कर्व कंप्लीटली रिवर्स बेंडिंग के लिए बनता है. ओके, और कह रहा है ये 3 elements में काम कर रहा है, ठीक है, प्लस माइनस 350 MPa फॉर 30% टाइम. मतलब एस एन कर्व जो इसने बनाया है ना, थोड़ा सा एक लोड ना लेके अलग अलग समय पे अलग अलग लोड अप्लाई करके फिर एसएन कर्व को ड्रॉ किया है, कुछ ऐसा ही कहना चाहता है. तो कहता है कि हमने 350 प्लस माइनस की स्ट्रेस अप्लाई करी और कंपोनेंट को साइकिल्स में रोटेट किया या रेवोल्यूशन कंप्लीट करवाए. वो कर्व्ड बीम जो क्लास में अपन ने पढ़ी थी, वो 30% के लिए क्या. अच्छा, क्लास में जो पढ़ते थे हम, जो भी लोड लगाते थे वो पूरे समय वर्क करता था और लाइफ निकाल देते थे यार एसएन कर्व से, कई बार लाइफ निकाली. ओके, फिर कह रहा है फिर हमने 30% के बाद नेक्स्ट 50% टाइम के लिए हमने प्लस माइनस 400 MPa अप्लाई करी उसी कंपोनेंट पे, और फिर रिमेनिंग टाइम
में हमने प्लस माइनस 50 मेगा पास्कल अप्लाई करी, मतलब जो एसएन कर्व हम उसके लिए नंबर ऑफ साइकिल निकालते थे ना, पूरे समय एक ही जैसी लोडिंग लगा के निकालते थे, अब हमने क्या किया ना, पार्ट बाई पार्ट लोड चेंज करते रहे और पूछ रहा है कि कितने चक्कर वो घूमा। वाह। सो माय डियर, सम डेटाज आर गिवन, आई थिंक क्वेश्चन आप सबने नोट कर लिया है, मैं इसके सोल्यूशन पे पढ़ता हूं। ओके ओके, सो माइनर रूल क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं जरा सोचिए। सबसे पहले हम एक वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो एक्चुअली उसने पूछा ही नहीं, हम निकालते हैं लाइफ ऑफ कंपोनेंट व्हेन प्लस माइनस 350 मेगा पास्कल एक्टिंग फॉर ऑल टाइम। मतलब हम वो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर रहे जो उसने पूछा, हम वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो हमें आता है। हम एक कंपोनेंट की लाइफ निकाल रहे हैं जब उसके ऊपर पूरे समय प्लस माइनस 350 मेगा पास्कल स्ट्रेस लगी होती, क्योंकि ये क्वेश्चन हम एसएन कर्व से सॉल्व कर चुके हैं। माय डियर, बहुत आराम से कर देंगे, एवरीवन नोस अबाउट द एसएन कर्व। सो लेट मी ड्रॉ द एसएन कर्व। लॉग 10 बेस एसी एंड लॉग 10 बेस एन एंड दिस इज द एसएन कर्व। ओके, दिस कोऑर्डिनेट इज गिवन डायरेक्टली 3 लॉग 10 बेस फॉर माइल्ड स्टील वी नो दैट 0.9 SUT एंड दिस इज वी नो दैट 6 लॉग 10 बेस एंड इट इज 280 गिवन डायरेक्टली, अदरवाइज हम इसमें 0.5 SUT लेते, ठीक है। और कह रहा है फाइंड आउट द लाइफ व्हेन प्लस माइनस 350 इज एक्टिंग ओनली। सो माय डियर, क्या होंगे इसके कोऑर्डिनेट, यहां पे हमें ऐसी दे रखा है, लाइफ पूछिए, लेट से n1 द लाइफ, सो इस लाइफ को अपन लोग n1 मान लेते हैं एंड दैट that is given, that is 350. So by using the straight line equation, you can easily find out the value of n1. So now I can use the straight line equation, 0.9 SUT, so that data becomes SUT is 660, so that is 594. So log 10 base 350 minus, this is simply a straight line equation, that is 594 y minus y1 equal to y2 minus y1 x2 minus x1 x minus x1. Okay, so this is the simply straight line equation. So you can solve for n. I have the answer of n1. So I can write directly 128,798. Okay, so agar component pe pure samay 350 megapascal act hota plus minus, to itne chakkar ghoomta. Okay, so one more time. हम लोग फिर से निकालने वाले हैं कि लाइफ ऑफ कंपोनेंट व्हेन प्लस माइनस 400 मेगापास्कल एक्टिंग फॉर ऑल टाइम। ओके, अगर पूरे समय 400 मेगापास्कल लगती तो लाइफ कितनी होती, लेट अस अज्यूम दैट इज n2। सिंपली हम लोग फिर से एसएन कर्व लगाएंगे, दिस कोऑर्डिनेट इज 3 log 10 बेस 594
6 log 10 base 280, and here this is log 10 base n2 and log 10 base 400. So similarly you can solve for n2 also, the same calculation you have to repeat. So n2 value is, I have the answer, 37770. Okay, and one more time we do the calculation that life of component when plus minus 500 megapascal is acting. All time let n3. So similarly आप यहां से n3 भी कैलकुलेट कर सकते हैं, द सेम कैलकुलेशन यू हैव टू रिपीट. आई हैव द आंसर सो आई कैन राइट डायरेक्टली एंड दैट इज 4865 साइकल्स. ओके, तो देखिए उसने जो पूछा था वो तो हमने सॉल्व नहीं किया, हमने वो सॉल्व किया जो हमें आता है. मतलब हमसे पूछा था, हमने एक कंपोनेंट में अलग अलग समय पे अलग अलग स्ट्रेस लगाई है और बताओ कितने साइकिल घूमेगा. हमने क्या किया कि अगर 350 लगती पूरे समय तो अब इतने चक्कर घूमता, फिर 400 लगती पूरे समय तब इतना घूमता, और जब अगर 500 लगाते फॉर ऑल टाइम तब इतने चक्कर घूमता. अब क्या कहता है माइनर रूल, माइनर रूल क्या कहता है सुनो, सीख भी लो बाई माइनस रूल. ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, आप सब लोग एक बात बताइए, n1 लाइफ है अगर पूरे समय, जिसको हमने n1 नाम दिया, अगर पूरे समय 350 लगे तो 1/n1 क्या होगा. n1 लाइफ है अगर पूरे समय ऑल टाइम 350 मेगापास्कल अप्लाई होता तो लाइफ होती n1. तो 1/n1 क्या है, 1/n1 है पर यूनिट टाइम लाइफ, पर n1 पूरे समय तो लगा नहीं, कुछ समय लगा. कितना समय लगा उतना मल्टीप्लाई कर दो. कितना समय लगा, क्वेश्चन ने बताया है, क्वेश्चन ने बताया है कि 30% ही लगा, 0.3 मल्टीप्लाई कर दिया. फिर बताओ n2 लाइफ है अगर पूरे समय 400 मेगापास्कल लगता तो 1/n2 क्या होता, पर यूनिट टाइम लाइफ अगर पूरे समय n2 लगता, पर n2 पूरे समय तो लगा नहीं, कितने समय लगा, n2 लगा 50%, तो 0.5 का गुणा कर दो, 0.5 का गुणा कर दो. अगर पूरे समय n2 लगता, n1 ना लगता तो मैं यहां 0 लगता, यहां 1 लिख देता. अगर पूरे समय n1 लगता तो मैं यहां पे 1 लिखता, यहां 0 लिख देता. ओके ओके, सिमिलरली n3 लाइफ है अगर पूरे समय 500 मेगापास्कल लगे, जो कि लगा नहीं, कितने समय लगा, 20% टाइम. अगर पूरे समय n3 ही लग रहा होता ना तो मैं यहां 1 लिखता, यहां 0 और 0 लिख देता, और एक्चुअली में तो तीनों लगे हैं और यही तीनों के कॉम्बिनेशन से तो बनेगी लाइफ. दैट इज द माइनर रूल, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना यार. अरे सिमिलरली यार एक फॉर्मूला रट लो, अगर नहीं समझ में आया कि α1/n1, α2/n2, α3/n3 और ऐसे जितने भी होते ये बराबर होते n. डेटा भरने, आंसर आपके पास है. आई थिंक दैट इज 0.3 n1, I have 128798, that is 0.5 divided by 3770 and that is 0.2 and n3 is 4865. So now you can find out the value of n. So n value you got
17643. Around. This is the final answer. ओके माय डियर, सो ये माइनर रूल क्लियर हुआ. एक और छोटा सा क्वेश्चन यहां से कर लेते हैं जो गेट में आ सकता है. एक्चुअली मैं ये थोड़ा ज्यादा लेंदी था, गेट ट्रिकी पूछता है ना. लो ट्रिकी देता हूं तुमको, करो करो करो, अब सही करना है आपको. क्वेश्चन नंबर थर्ड माइनर रूल पे अगेन है, छोटा सा ट्रिकी क्वेश्चन है जो मेरे समझ में गेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. माय डियर जल्दी से अटेम्प्ट करो, आपको करना है इसे. ओके ओके ओके, तो ले लिया आपने स्क्रीनशॉट. दो लाइन का है माय डियर, दो लाइन का है. एक मिनट और देता हूं, जल्दी से अटेम्प्ट करो. बस बस इसी तरह के ट्रिकी क्वेश्चन गेट में पूछता है, माइनर रूल का ही यूज होना है माय डियर. सुनो, दो लाइन में करता हूं, दो लाइन, ओनली टू लाइंस. ओके, लाइफ ऑफ अ मशीन कंपोनेंट अंडर हैवी टेस्ट लोड वाज 10 आवर. ओके ओके ओके, दिस इज द लाइफ व्हेन हैवी लोड इज एक्टिंग. ओके, द लाइफ अंडर कंबाइंड, मतलब जिसे हमने एन लिखा था ना, एन जो राइट साइड में था फाइनलाइज, वो वैल्यू सीधे दे रखी है, दैट 20 आवर. ओके ओके, सो एन वैल्यू इज गिवन एंड दैट इज एन वन. एन वन वैल्यू इज गिवन, अरे अपने डेटा के हिसाब से यार, एन वन हो गया 10 और एन हो गया 20. फिर कह रहा है कि जब ये कंबाइंड हुआ ना, तो कंबाइंड में 9.8 आवर टेस्टेड हुआ हैवी लोड से एंड 8.2 आवर टेस्टेड हुआ नॉर्मल लोड से. ओके और कह रहा है व्हाट इज द एक्सपेक्टेड लाइफ अंडर नॉर्मल लोड. अरे एन टू पूछा है यार, सोच लो सोच लो सोच लो. अभी अभी माइनर रूल बोला था ना, माइनर रूल बोला था ना. देखो, अल्फा वन अपॉन एन वन, अल्फा टू अपॉन एन टू, वन अपॉन एन, यहां हमेशा वन रहता है. बस बस दो ही लोड है यार. एन वन दिया है 10, मैं डेटा भरता हूं. अल्फा वन पता नहीं, एन वन पता है 10, अल्फा टू पता नहीं, एन टू पता करना है, एन भी पता है, दैट इज 20. अरे अल्फा वन क्या है? टाइम फ्रैक्शन, कितने समय हैवी लोड लगा. अल्फा वन कितने समय हैवी लोड लगा? टोटल समय था 20 आवर, जिसमें कितना लगा? 9.8 आवर टेस्टेड ऑन, 9.8 आवर टेस्टेड ऑन हैवी लोड. सो 9.8, टोटल समय कितना? 20. अल्फा टू कितना हो जाएगा? 8.2. टोटल समय कितना? 20. देख लो यार, ये माइनर रूल से ही निकला है और ये गेट में आ सकता है, छोटा है, हो सकता है. बस भैया डेटा भर दो. 9.8 कैलकुलेशन यार चेक करते रहना. माय डियर N2 आंसर आपके सामने है एंड दैट आंसर इज 410 आवर्स इज द फाइनल आंसर. वेरी गुड वेरी गुड, कई लोगों ने सही आंसर दिया है, गुड. गुड, वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन. ओके okay, हो गया हो गया हो गया हो गया.
ठीक है। एक्चुअली इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ रहे हैं अपन लोग तो 20 नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब ये एक्चुअली में 18 होना चाहिए। सम डेटा इज मिस प्रिंटेड बाई मी और प्रिंटिंग मिस्टेक, पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। एक्चुअली यहाँ 18 होना चाहिए। सो होप कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखिएगा, आई थिंक क्लियर है। ठीक है, ओके ओके, आई थिंक डन, सीख गए ना। मतलब एक्चुअली यहाँ 18 होना चाहिए था, दैट इज मिस प्रिंटेड टू 20। ठीक है, तो अब जो लिखा था मैंने उससे कर दिया, पर इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो वो 18 होना चाहिए ना। आई होप, ओके ओके, कर लेना उसके हिसाब से। यहाँ 18 करके जो भी आंसर आए वो बदल सकते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अगली प्रॉब्लम पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो मैंने उठाई है, दैट इज फ्रॉम रिवेटेड जॉइंट। ओके, बहुत जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, अटेम्प्ट करिए। 15 सेकेंड टू टेक अ स्क्रीनशॉट, अटेम्प्ट करिए। सिंपल क्वेश्चन है, देखो यार जबरदस्ती के टफ क्वेश्चन कराने का कोई मतलब नहीं है ना। जो गेट में आ सकता है, ट्रिकी है, अपन वो करेंगे। लेट्स डू इट क्विकली। ओके, सो लेट्स डू इट। इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम रिवेटेड जॉइंट। जबरदस्ती के टफ नहीं बनाए मैंने, जल्दी से अटेम्प्ट करते हैं। फॉर द रिवेटेड जॉइंट शोन इन द फिगर, सो दैट क्लियरली मैंने आपको डिस्कस किया था कि वेन एवर वन प्लेट रोटेटिंग ओवर अदर प्लेट, इट इज द केस ऑफ ट्विस्टिंग। एक प्लेट अगर दूसरे प्लेट के प्लेन में ही घूमे, ऐसे रट लो ना यार, कौन पूछता है वो टेक्निकली कि ट्विस्टिंग कपल है कि बेंडिंग कपल है। ऐसे याद होना चाहिए, दोनों प्लेट अगर एक साथ जुड़ी रहें, अलग ना हो और रोटेट करें, दैट इज द केस ऑफ ट्विस्टिंग। और दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर जाएं, बिछड़ने लगे, दैट इज द केस ऑफ बेंडिंग। सो मैं ये देखते ही बता देंगे, दोनों प्लेट अलग नहीं होने वाली, एक ही प्लेन में घूमनी है, ट्विस्टिंग का केस है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस। सो दिस इज द केस ऑफ एसेंट्रिक लोडिंग एंड दिस इज द सीजी। और हमने डिस्कस किया है यहां पे हम क्या करते हैं, P1 और P2 अप्लाई करते हैं। P1 P2 इक्वल टू P एंड दैट इज 15 किलो न्यूटन। ओके 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 ओके, सो एक बार P1 के इफेक्ट तो देखेंगे, एक बार कपल के इफेक्ट तो देखेंगे, कंबाइन कर देंगे। क्विकली सॉल्व करता हूं, सिंपल क्वेश्चन है, सारी क्लासेस में किया है अपन ने। सो थ्री रिवेट्स आर देयर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ, आंसर चाहिए मुझे भाई आपसे जल्दी, आपको पहले देना है इस क्वेश्चन का आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये गेट के लिए। इफेक्ट ऑफ P1, सो सीजी से पास कर रहा है तो तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एंड दैट इज 5 किलो न्यूटन। एंड वी नो दैट दैट इज द केस ऑफ ट्विस्टिंग एंड दिस इफेक्ट ऑफ P1 इज प्राइमरी शियर फोर्स। एंड नाउ इफेक्ट ऑफ P2 एंड P, तो वी नो दैट दैट इज द केस ऑफ ट्विस्टिंग एंड द डायरेक्शन ऑफ सेकेंडरी फोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो बहुत बार मैंने डिस्कस किया है, सो दिस इज द ट्विस्टिंग कपल इज एक्टिंग, मैग्नीट्यूड इज 15 इंटू एसेंट्रिसिटी वैल्यू इज 100। सो ड्यू टू दिस ट्विस्टिंग कपल द सेकेंडरी फोर्सेज आर एक्टिंग एंड इन रिवेट नंबर 1 द फोर्स इज एक्टिंग हियर, इन रिवेट नंबर 3 दैट इज FS3 एंड FS2 इज 0। FS2 इज 0 बिकॉज ये CG पे ही रिवेट है। सो 1, 2 एंड 3, वट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस सेकेंडरी फोर्सेस।
So we know that fs is directly proportional to r. So fs1 and fs3 both are same, and that is 15 into 100 torque upon 2r, and r is the distance between two rivets, or the distance from CG to the rivet, and that is given in the problem, that is 40. That is 40. इस दूरी को कहते हैं ना भैया यहां से यहां तक की. ओके ओके ओके. सो यहां से फोर्सेस निकल आएंगे आपको. आई थिंक आई हैव दिस आंसर, दैट इज 18.75 मेगापास्कल एंड FS2 इज 0. सो नाउ वी कैन इजिली फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑन ईच रिवेट. So final condition of the rivet, they have this 5 kilonewton primary shear force in downward direction. Okay, and they have the secondary forces. Like this. So simply the critical is 1 and 3. We can find out the resultant on each, resultant of 1 and resultant of 3 both are same, that is 5 square, FS3 that is 18.75 square under root, I think that is 19.4 kilonewton, and resultant of 2 is 5 kilonewton. Okay, very good, very good. Lagbhag lagbhag jitne bhi comment aa rahe hai na my dear, sare answer sahi. वेल डन, मतलब तैयारी ठीक है कई लोगों की मशीन डिजाइन में, ठीक है. ओके, एंड द सेफ डायमीटर इज 19.4. सो नाउ वी गो फॉर द सेफ्टी, 19.4 पाई बाई 4 डी स्क्वायर एंड द टाउ परमिसिबल वैल्यू इज गिवन, दैट इज 100. So here you can find out the diameter, it is 15.71 mm, and the 16 mm is the final answer. I hope ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था, सारे बैचेस में डिस्कस हुआ है, हो भी जाना चाहिए. और देखो माय डियर, जबरदस्ती कॉम्प्लिकेटेड करने का कोई मतलब नहीं है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था गेट के लिए. अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम. एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम फ्रॉम bolted joint, and attempt this, please take a screenshot first. Okay, so this is the next problem. ओके, सो एक ब्रैकेट को किसी प्लेट के साथ जोड़ दिया, इस चीज को हम ब्रैकेट कहते हैं, दैट ब्लू वन. ये भी एक प्लेट होता है यार. एक बार बताएं, तुरंत देखो ये जो कपल बनेगा ना वो इस प्लेन में घुमाएगा. ये मैंने 3D आपके लिए बना रखा है, एक्चुअली एग्जाम में 3D नहीं दिया होता. देख लो ये इस तरह से घूमेगा और दोनों प्लेट एक दूसरे से अलग हो जाएंगी, हम देख के ही बता देंगे दिस इज द केस ऑफ बेंडिंग. यस माय डियर, मतलब क्वेश्चन करेंगे बाद में, पहले बता देंगे दोनों प्लेट अलग हो रही हैं, मतलब यहां बेंडिंग होगा. शुरू करते हैं, बहुत सिंपल, मैंने 3D जानबूझ के बनाया ताकि जल्दी से हो जाए. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द सीजी. सो दिस इज द सीजी, या यहां हो सकता है सीजी. एसेंट्रिसिटी इज 100. ओके, सो दिस लोड लाइन एंड द डिस्टेंस बिटवीन सीजी, दैट इज 100. ओके,
तो इसेंट्रिसिटी 100 हो गई, और फिर से हम क्या करते हैं, हम सीजी पे दो फोर्सेस लगा देते हैं, पी वन एंड पी टू। यहां भी लगा देते हैं, पी वन और पी टू सीजी पे लगा देते हैं, और वही पी वन और पी टू बराबर होंगे, 15 किलो न्यूटन होंगे। एक बार पी वन के इफेक्ट को देखेंगे, एक बार पी टू और पी के इफेक्ट को देखेंगे, कंबाइंड कर देंगे, पर एक बार बेंडिंग होगा, एक बार सीयर आएगा, आप देखना, तो थ्योरी ऑफ फेल्योर भी लगेगी। सो माय डियर, बहुत जल्दी से करते हैं, इफेक्ट ऑफ पी वन। सो इफेक्ट ऑफ पी वन इज द दिस इज द पी वन एंड दैट पी इज 20। सो इन ईच बोल्ट 5 किलो न्यूटन। और देखो ये बोल्ट में कटिंग टेंडेंसी इंड्यूस कर रहा है, इसलिए ये सीयर फोर्स है। और प्राइमरी नाम देते हैं। ओके, अब दूसरे पे आते हैं, दूसरे में क्या अंतर है यहां पे, इफेक्ट ऑफ पी टू एंड पी। देखो माय डियर, यहां थोड़ा ध्यान देना है आपको, जो कई बार स्टूडेंट से गलती होती है, इसलिए मैं क्लियर कट हाईलाइट भी कर दूं। दिस इज द प्लेट एंड दिस इज द ब्रैकेट। वो आप देखो, मैं ब्रैकेट को जब ब्रेक हो रहा है ना, वो कंडीशन दिखा रहा हूं। मान लो ब्रैकेट कभी टूटा तो ऐसे टूटेगा। इसलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, जो कई स्टूडेंट से गलती होती है, आपको नहीं करना है कि यहां पे जो बेंडिंग होगी वो बॉटम एज के अबाउट होगी। इसे बोलेंगे हम बेंडिंग एज। मतलब यहां पे जो सारी डिस्टेंसेस ली जाएंगी वो बेंडिंग एज से ली जाएंगी, सीजी से नहीं ली जाएंगी। जबकि ट्विस्टिंग के केस में जो फॉर्मूला लगाए थे ना, वहां का जो आर लेते हैं वो सीजी से लेते हैं, पर ये जो बेंडिंग वाला केस होता है ना ब्रैकेट में, यहां पे जो डिस्टेंसेस लेते हैं वो बेंडिंग एज से लेते हैं। यार ऐसे ही सोच लो ना, क्या ये ऊपर वाले बोल्ट पहले उखड़ के बाहर आ जाएंगे? इनकी प्रॉब्लम ज्यादा है कंपेयर टू दिस। माय डियर, यहीं से दूरी लेंगे हम L1 और L2, या Y1 Y2 भी लिख सकते हैं, फॉर्मूले भी वही लगने। इस बार इसमें टेंसाइल फोर्सेस इंड्यूस होंगे। अगर हमने बोल्ट को नाम दे रखा था तो ये हो जाएगा हमारा बोल्ट नंबर 1, ये हो जाएगा बोल्ट 2। FT2 और FT1 में FT2 ज्यादा होगा। कितना होगा, फॉर्मूले से निकाल सकते हैं अपन, FT2/L2, L1 स्क्वायर। सिमिलर फॉर्मूला जो ट्विस्टिंग में लगता था, ये सबको याद होता है, P इंटू E के बराबर। FT2 कितना होगा, L2। यहां से दूरी लेना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहां डिस्टेंस सीजी से नहीं लेनी। ओके, सो ये दूरी है आपकी 80, 80 स्क्वायर, या L1 इज 30, 30 स्क्वायर, 80 स्क्वायर, 80 स्क्वायर, 30 स्क्वायर। P इज 20, E इज 100। प्लीज FT2 और FT3 तो सेम ही होंगे, FT3 और FT2 तो सेम ही होंगे, क्योंकि FT प्रोपोर्शनल टू L, और जो L2 और L3 दोनों सेम है, सो इस वजह से ये फोर्सेस भी सेम होंगे। कितने होंगे आप निकाल सकते हैं, जल्दी से कैलकुलेट करिए इसको। आई थिंक यू गॉट दिस, दैट इज 10.96। खैर हम FT1 और FT2 भी निकाल सकते हैं, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज वो कम होगा। सो हमें तो क्रिटिकल ढूंढना था, जल्दी से सॉल्व करते हैं। सो क्रिटिकल दिस टाइम इज 2 एंड 3,
एंड व्हाट इज द कंडीशन ऑफ बोल्ट नंबर टू. सो बोल्ट टू कंडीशन इज लाइक दिस. दिस इज हैविंग 5 kN शियर फोर्स एंड दिस इज हैविंग 10.96 kN टेंसाइल फोर्स एंड दिस इज द कंबाइंड लोडिंग कंडीशन माय डियर. सो दिस इज द केस ऑफ कंबाइंड लोडिंग. सो नाउ वी आर यूजिंग थ्योरी ऑफ फेल्योर एंड इट इज मेंशन एमडीटी एंड वी नो द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ एमडीटी सिग्मा स्क्वायर प्लस 3 τ² लेस देन एस बाई टी बाई एन. तो सीधे याद रखिए रिजल्ट्स. वो बार बार कोई सिग्मा वन सिग्मा टू निकाल के फिर वो थ्योरी ऑफ फेल्योर लगाओगे तो ऐसे तो परेशान हो जाओगे. सीधे रट लो एमएसएसटी में यहाँ पे 4 होता है, एमडीटी में यहाँ 3 होता है. बस डेटा भरो आंसर आ जाएगा. सिग्मा दैट इज 10.96 पाई बाई 4. यस माई डियर वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी बोल्ट में सीयर का केस हो नॉमिनल डायस डिजाइन करना है, जब भी बोल्ट में टेंसाइल का केस हो कोर डायस डिजाइन करना है, और कंबाइंड लोडिंग का केस हो तो भी कोर से डिजाइन करना है, सेफ्टी से समझौता नहीं. सो इसलिए मैं यहां पे डीसी ले रहा हूं. वेरी इंपॉर्टेंट, भूलना मत भैया. फिर से बोल देता हूं, कंफ्यूजन नहीं चाहिए. सीयर में डी, टेंशन में डीसी और कंबाइंड लोडिंग में भी डीसी. अच्छा यूनिट सही कर देना, किलो न्यूटन में है 1000 और मल्टीप्लाई करिए, डीसी की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहां से. एंड डीसी इज 9.43, बट दैट इज नॉट द फाइनल आंसर. डाई ऑफ बोल्ट मींस नॉमिनल डाई ऑफ द बोल्ट एंड वी नो दैट डिवाइडेड बाई 0.84. आई थिंक दिस आंसर इज अराउंड 11.22. सो द फाइनल आंसर इज 12 mm. माई डियर कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू. ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम माई डियर. भाई कोई डाउट और तो पूछ लो, किसी को कोई डाउट ही नहीं आ रहा, सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, क्या बात है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैंने लिया है वेल्डेड जॉइंट से, जल्दी से अटेम्प्ट करो. ओके ओके ऑन कर दिया भाई, ऑन कर दिया, परेशान ना हो, जल्दी से अटेम्प्ट करो. नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वेल्डेड जॉइंट से लिया है मैंने, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें डाउट पूछते हैं, इंपॉर्टेंट भी है, ट्रिकी भी है, सारा कुछ है. जल्दी से टेक योर 2 मिनट. वेंकता किशोर, डी सी इज इक्वल टू 0.84 डी, इन जनरल ट्रू होता है, याद रखिए इसको. सौरव, जो आपका डाउट है ना एमएसएसटी यूज करने में, कहां 2 का मल्टीप्लाई करते हैं कहां 2 का नहीं करते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा. इसीलिए तो उठाया ये क्वेश्चन, बहुत सारे लोग पूछते हैं ना, यहीं से क्लियर होगा. अटेम्प्ट करो पहले. सुब्रतो दास, सिग्मा वन सिग्मा टू को यूज करके सॉल्यूशन काफी लेंदी हो जाता है, डायरेक्ट यूज करिए रिजल्ट्स को. अगर एक नॉर्मल एक सियर स्ट्रेस हो, थ्योरी ऑफ फेल्योर के कुछ डायरेक्ट रिजल्ट होते हैं, मुझे पर्सनल मैसेज करिएगा, मैं आपको भेज दूंगा वो रिजल्ट. ठीक है, तो वो रिजल्ट याद कर लो ना यार. ये सिग्मा वन निकालो सिग्मा टू निकालो तब तक तो ट्रेन छूट जाएगी, ऐसे थोड़ी ना होता है.
ओके सो सॉल्व करते हैं माय डियर, दिस इज द केस ऑफ इसेंट्रिक लोडिंग इन द वेल्ड. देखो एक बार बताएं, क्वेश्चन तो सॉल्व बाद में करेंगे, पहले देख के बताओ. ये जो प्लेट या बार जो भी कह सकते हैं इसको, ये जब रोटेट होगा घूमेगा ना यार, देख तो रहा है कपल तो बनेगा ही, सेंट्रिक लोडिंग है, वेल्ड से दूर है लोड की लाइन. बताओ दोनों प्लेट अलग अलग होंगी कि एक ही प्लेन में घूमेगी? अलग अलग होंगी. पहले ही पता है बेंडिंग का केस है. अगर मैं इसको इस तरह से घुमाता ना, इट इज द केस ऑफ ट्विस्टिंग, बट इन दिस प्रॉब्लम द बेंडिंग विल हैपन. सो माय डियर पहले ही पता है बेंड होने वाला है और इसका एक इफेक्ट यहां पे सीयर कराएगा. बहुत जल्दी सॉल्व करते हैं. देखो बहुत खुशी की बात है, सीजी पता है, ये रहा सीजी, लगा दो P1 और P2 को लगा दीजिए. इसेंट्रिसिटी दिख गई होगी आपको 100 mm. अब मैं इस पेज से अलग जा रहा हूं भाई, क्वेश्चन नोट हो गया ना आपका. ओके ओके इफेक्ट ऑफ P1 पे आ जाते हैं. सो माय डियर ये रहा वेल्ड, केवल वेल्ड को दिखा रहा हूं मैं, दिस इज द वेल्ड. दिस इज P1. हाउ मच? 30 kN. डिस्टेंसेज आर गिवेन 50 and 100. सो दिस P1 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सीयर. सो दैट सीयर स्ट्रेस इंड्यूस्ड, दैट इज लोड डिवाइडेड बाई 0.707 एस इंटू एल, वेयर एस इज साइज, जो हमें पता करना है. या इस चीज को हम एच लिख सकते हैं, थ्रॉट, बाद में साइज में बदल देंगे ना. क्या हो जाएगा ये 30 1000 एच एंड एल. व्हाट इज एल? 100 100 200 and 100, दैट इज 300. सो आई थिंक दैट इज 100 डिवाइड बाई एच मेगा पास्कल. सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ P1. ओके एंड दिस सीयर स्ट्रेसेस आर इंड्यूस. एंड नाउ द फर्दर केस ऑफ बेंडिंग. सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट क्विकली. ओके नाउ द इफेक्ट ऑफ P2 एंड P, दैट इज बेंडिंग एंड बेंडिंग अबाउट न्यूट्रल एक्सेस. यहां बॉटम एज से बेंडिंग नहीं होती, यहां पे ये है न्यूट्रल एक्सेस. नाउ वी गो फॉर बेंडिंग इक्वेशन. सिग्मा बेंडिंग मैक्सिमम इज एम अपॉन आई एन ए इंटू वाई मैक्स. सो दिस इज द वाई मैक्स. सो वाई मैक्स इज दिस टोटल इज 100, हाफ इज 50. सो वाई मैक्स इज 50. एम इज गिवन 20 kN. Eccentricity is 100, that is, sorry, 20 into 100 kN. Okay. And INA is a big deal. My dear, first of all, देखना साइज को है, डिजाइन थ्रोट को करना है. सो INA मैं यहां पे लिखता हूं, क्लास में सिखाया भी था. INA फर्स्ट ऑफ ऑल आई एक्स एक्स ऑफ दिस वन. सो दिस इज द आई एक्स एक्स एंड दिस इज लाइंग ऑन द सी जी एक्सेस. तो उसको कहीं भी शिफ्ट नहीं करना है. तो पहले तो मैं 2 का गुणा कर देता हूं. इसका आई एक्स एक्स निकालते हैं, पहले वाले एरिया का, इसको एरिया 1 बोल देते हैं. ये टोटल कितना है? 100. ये एच, ये हो जाएगा एच 100³/12. और जैसे ही हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, ये दोनों काउंट हो गए. इसका लेते हैं, इसका आई एक्स एक्स, यहाँ पे आई एक्स एक्स कितना होगा? आई एक्स एक्स होगा 50 h³/12. और इसको शिफ्ट करना है हमको, एरिया कितना हो जाएगा? 50 h. और शिफ्टिंग की डिस्टेंस अगेन 50. आई थिंक दैट इज ऑल ओके. और जहां पे एच क्यूब वाले टर्म्स को अपन निगलेक्ट कर देते हैं. ये सब डिस्कस हो चुका है माय डियर, आज डिस्कस करने का टाइम नहीं है, आज सॉल्व करने दो.
INA मैंने कैलकुलेशन कर रखा है और कैलकुलेशन आप भी कर सकते हैं. सो प्लीज चेक द कैलकुलेशन. आई हैव दिस वैल्यू 6 times 6 एंड फर्दर H mm power 4. आई होप दैट इज ऑल ओके. ओके ओके ओके. सो नाउ आई कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सिग्मा बेंडिंग मैक्सिमम. प्लीज चेक ऑल दीज कैलकुलेशन. सिग्मा बेंडिंग मैक्सिमम M. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ M? 30 इंटू इसेंट्रिसिटी. करेक्ट द यूनिट. दैट इज M. Y मैक्स. Y मैक्स इज 50. INA is 666. So sigma bending maximum is, I have this value, 225/H. So now what are the critical points? What are the critical points? So these are the critical points having both shear stress and tensile stress and at bottom compressive stress. So these are the critical point, and critical point have bending stress as well as shear stress. So bending stress how much? 225/H megapascal, and shear stress is 100/H megapascal. So once again we use theory of failure, and it is given in the question, use MSST. So remember the result of MSST. What is the result of MSST? Sigma square plus 4 tau square less than SYT/N, and we know that SYT is 2 time of SYS by MSST. So in that problem SYS by N is given, and that is given 80, but here we required SYT/N. So now we put here 160 or 2 times of this. So always remember the result is this. Kuch student confuse hote hain, yahan pe shear stress hoti hai. Nahin bhai, yahan bhi normal stress hoti hai, SYT hota hai. Ye result hai na, drive karne pe aata hai. Rat lo, drive bhi kar sakte hain, par wo time to class ka hota hai. ओके, तो डेटा भरते हैं यहां पे 225/H स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स 100/H स्क्वायर एंड दैट इज 160. ऑल यूनिट्स आर ओके. हियर यू गॉट द वैल्यू ऑफ H. आई थिंक so H value is around 1.88 and S divided by 0.707. so S value is around 2.66 in mm. so S is 3 mm is the final answer, my dear. Okay. ओके, ऑल डन. एनी डाउट? किसी कोई डाउट हो भाई रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम आप पूछ लीजिएगा. 2-3 रिजल्ट रट लो यार, मैं अलग से बता देता हूं. एमएसएसटी और एमडीईटी के रिजल्ट तो रट लो. ये अगर सिग्मा वन और सिग्मा टू के चक्कर में पड़े ना तो फंस जाओगे. एमएसएसटी का रिजल्ट होता है सिग्मा स्क्वायर 4 टाउ स्क्वायर लेस देन SYT/N या SYS/N into 2.
MDT का रिजल्ट होता है सिग्मा स्क्वायर प्लस 3 टाउ स्क्वायर लेस देन एस बाई टी एन, या यहां पे लिख सकते हैं एस बाई एस बाई एन, यहां 2 मल्टीप्लाई करते हैं, यहां रूट 3 मल्टीप्लाई करते हैं. ओके सो ये रिजल्ट्स हैं, क्लास में ड्राइव होते हैं पर सीधे डायरेक्टली याद रखो ज्यादा बेटर है. ओके सो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं माय डियर. ओके सो नेक्स्ट प्रॉब्लम फ्रॉम गेयर. सो गेयर में भी मैंने एक ऐसा क्वेश्चन उठाया है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट पूछते हैं. 15 सेकेंड फॉर यू, टेक अ स्क्रीनशॉट, देन आई गो फॉर द सॉल्यूशन. ओके 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 सो ए पेयर ऑफ स्पर गेयर विथ 20 डिग्री फुल डेप्थ इनवोल्यूट टीथ कंसिस्ट 25 टीथ ऑन पिनियन 60 टीथ ऑन गेयर, दैट्स ऑल. स्पिनियर इज माउंटेड हैविंग पावर ऑफ 25 किलोवाट मोटर एट दिस आरपीएम. द स्टार्टिंग टॉर्क इज 150% ऑफ द रेटेड टॉर्क. इट मीन्स वी डिजाइन फॉर टॉर्क मोर देन रेटेड टॉर्क. So how much torque we required for designing? First of all, find out the torque. So power is 2 pi nt by 60. So power is 25. 2 pi n is 1440. Torque, that is rated torque actually. So here you can find out the torque. So torque value you can find out. So that torque value I have, this value is 165.786 Newton meter. Okay. And the design torque is 165.786 into 1.5 into 10 to the power 3 Newton mm. So let us consider into Newton mm. Okay, so this is the torque we use for designing. Okay, okay. So further question pe aate hain. So now the allowable stresses of pinion and gear are given. So first of all, we have to find out that which one we have to design, pinion or gear. दोनों में से किसको डिजाइन करना है. सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज अगेन गिवन 1.5 एंड डिजाइन गियर बेसिस द लुईस इक्वेशन. ओके दैट वी ऑल नो. फेस विड्थ इज 10 टाइम्स ऑफ मॉड्यूल. सीवी वैल्यू इज गिवन इज 6 अपॉन 6 प्लस वी. इट मींस इट इज लेस देन 1. सो व्हेन सीवी गिवन लेस देन 1 हम इसको डिवाइड करते हैं एफटी में, डायनेमिक लोड निकालते समय बताया गया था. Okay, so form factor for gears are given and pinion are given. So tooth form factors are given. देखो दो तरह के form factor होते हैं, Lewis form factor, tooth form factor. जब tooth form factor दिया हो तो हमें pi से multiply करना होता है. पता कैसे लगाएंगे आप? Lewis form factor की value generally होती है 0.2 से 0.4 के बीच में. उसका नाम भी अलग है, Lewis form factor. पर कई बार confuse करने के लिए ना tooth form factor देता है. तो small y, तो हमें देख के पता चल गया ना इसकी रेंज जो है ना काफी छोटी लग रही है, 0.2 से कम है. हम समझ जाएंगे कि ये जो है ना टूथ फॉर्म फैक्टर एक्चुअली लिखा भी है. अब कई लोग भूल जाते हैं ना, बस फॉर्म फैक्टर रहता है दिमाग में तो गड़बड़ हो जाता है. सो माय डियर, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक विच गेयर वी हैव टू डिजाइन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वाई पिनियन एंड सिग्मा बेंडिंग परमिसिबल फॉर पिनियन एंड सिमिलरली Y gear and sigma bending for gear. So which one having
less value, that gear is weaker and we have to design for weaker gear. So what is the value? That is pi times small y into sigma bending permissible. So put all data here, that pi that is given. That is given 0.108 and that is 70. And similarly, put all data here, pi that is given 0.134 and that stress is given, okay, that is 70, that is 140. So when we solve, these data are 47.6 megapascal for pinion and that is 29.47 megapascal for gear. So here we know that pinion is weaker, gear is weaker. So design for gear. So now we are going to design the gear, and what is the safe condition? That is, dynamic load should be less than BMY sigma bending for gear and gear, and that we have the value 29.47. okay. Yes, Abhishek Kumar, right. Okay, so F dynamic is FT into S, but when CV is less than 1, so we divide that CV and we can multiply other factor also, factor of safety sometimes given, and that is BMY sigma bending gear. Okay, so calculate one by one data. So how to find out the value of FT? FT is 2T by MZ. So take the design torque 165.9 Newton mm, put module into the mm, and Z that is the torque for pinion. Remember that torque for pinion. So we have to design the torque for pinion. So we have to design for number of teeth of pinion here. Jab bhi bhaiya pinion ka torque ho, pinion ki radius divide karna. Gear ka torque ho, to gear ki radius divide karna. Aapko torque ya power ya speed kiski de rakhi thi shuruaat mein? Pinion ki. FT dono ka nikalta hai. Forces are common. Ek action, dusra reaction. So from here that FT is 2165.786 into 10 power 3 into 1.5. 1.5 is the design torque and module is unknown. ZP, pinion number of teeth are given and that teeth are 25. So here this FT is around 19894.32 by m Newton, where m is in mm. So please do some calculations. So FT is unknown, but in terms of module, CV, to find out the CV, that is 6 upon 6 plus V. So what is V? That is pi D. So D is again mz n by 60. So V is pi
module is unknown. Z take the number of teeth of pinion, that is 25. Module is in mm, so multiply by 10 to the power minus 3. N is 1440 by 60. So V is around 1.885 m in meter per second. Where module in mm. Okay. So now put all datas here, because all unknowns are in terms of module only. So now I am going to put all datas here. FT is 198.94.32 by m. That is FT. CV is not given. So CV is 1. Factor of safety is given 1.5. S. Service factor. CV we have to divide, and that is 6 upon 6 plus 1.885 m. Okay, so S, CV, FT, that is all FT, less than width is 10 times module, B, M, Y and sigma, that product we already calculated, that is 29.47. All units are correct. And that is the cubic equation in module. You can find out the module easily. So module value, I have the answer, that is around 6.83. So we can take for safety module is equal to 8. So that's all for this gear topic. I think is question se lagbhag sare concept clear ho gaye honge gate ke bhi. जनरली न्यूमेरिकल ही आता है, इसी पे बेस्ड होता है. सो ऑल डन. ओके लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम. That's it. So now this question from ball bearing. So please take a screenshot and attempt this. Okay. So इस क्वेश्चन में जो है लोड वेरी कर रहा है एट डिफरेंट टाइम्स, डिफरेंट लोड एक्टिंग ऑन द बीरिंग. इस क्वेश्चन को हम माइनर रूल से भी कर सकते थे, माइनर रूल इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर बीरिंग, बट इसे जो है ना क्यूबिकल मीन लोड से करना ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि जनरली बुक्स में वही मेंशन है. कुछ अंतर आएगा अगर माइनर रूल से आप करेंगे तो आंसर में डिफरेंस आ सकता है, इसलिए मेरा सजेशन है वैसे ही करें जो मैं बता रहा हूं. ठीक है. एक बॉल बीरिंग ऑपरेट्स ऑन अ फॉलोइंग वर्क साइकिल हैविंग थ्री पार्ट. रेडियल लोड ऑफ 3500 न्यूटन एट दैट स्पीड, देन रेडियल लोड ऑफ 6000 न्यूटन एट दैट स्पीड, 35% ऑफ द साइकिल एंड 2500 न्यूटन एट 1440 RPM for the remaining cycle. So let me draw some plot for you. क्योंकि यहाँ पे लोड वेरी कर रहा है भाई.
So load is 3500 Newton. So let take time. Time is 1 minute. Okay. So time is 1 minute. So for, let me draw the plot for better understanding. Okay. So for initial 30% of the time, so that is 0.3 second, sorry, 0.3 minute, load is 3500. Okay, and speed is 1/4 okay. Then for 6000 Newton for 35%, so that is 0.65 minute total time, and here the load is 6000 Newton, and the further load reduced 2500 for remaining. And that is 1 minute, 1 minute bhai pura ho gaya. So sabse pehle aise questions ko hume cubical mean load se apply karna hota hai, jiske liye hum different region ke loads nikalte hain. To pehle region ka equivalent load PE1 kitna hai, kyunki radial load hi applied hai, axial hai nahi, so that is the equivalent load. So equivalent load ka formula waise hota hai S X V F R 1 Y F A 1, but that whole term is zero, no factor is given. So PE1 is nothing, only radial load is acting, so 3500 Newton hi ho gaya. PE2 is 6000 Newton and PE3 is 2500 Newton, and hame N1, N2, N3 ki zarurat aur hoti hai mean load lene ke liye, aur N1, N2, N3 jo hai wo speed nahi hoti, revolutions hote hain, cycles hoti hain. Pehli region mein kitne cycle ghuma, it will rotate for 0.3 minutes and at a speed 1440, isse aap number of revolution nikalenge to ye aayega hamara 432 revolutions. N2 is 0.35 multiply by speed at this region. N2 is given in the problem, and that is N2 is 750, so that is 750 so you can find out the number of cycle, that is 262.5. revolutions, and N3 is again 0.35 and speed is 1440, so that is speed is 504. Okay, so now you can take the mean by using for ball bearing. The mean load is N1 P1 cube, N2 P2 cube, N3 P3 cube, and so on, divided by N1 plus N2 plus N3 to the whole power 1/3. So my dear, put all data here and you can find out the value of P. I have this.
4108 0.4108.18 न्यूटन. डायनेमिक लोड कैपेसिटी सी ही इज आस्किंग फॉर एंड लाइफ लाइफ इन गिवन इन आवर्स एंड कन्वर्ट आवर्स 10,000 आवर्स. सो व्हाट इज द लाइफ? लाइफ इज 10,000 आवर्स कन्वर्ट इनटू द रेवोल्यूशन 60 मिनट्स एंड स्पीड एंड हियर वी टेक एवरेज स्पीड. सो व्हाट इज द एवरेज स्पीड? टोटल रेवोल्यूशन डिवाइड बाय टोटल टाइम. सो टोटल रेवोल्यूशंस आर 432 प्लस 262.5 प्लस 504 एंड टोटल टाइम इज 1 मिनट. सो नाउ यू कैन फाइंड आउट द लाइफ एंड लाइफ इज 719.1 मिलियन रेवोल्यूशन. एंड डायरेक्टली वी कैन यूज द फॉर्मूला लाइफ इज सी डिवाइडेड बाई पी टू द पावर क्यूब. सो नाउ लाइफ इज 719.1 सी ही इज आस्किंग फॉर एंड दैट इज 4108.18. So here you can find out the value of C. I have the answer, that is 36.8 in kilonewton. So that is the final answer. किसी कोई doubt हो तो आप पूछ सकते हैं. Well done, 36.8 is the final answer. आसपास भी चलेगा, थोड़ा बहुत variation आ सकता है क्योंकि calculations थोड़ा सा एक दो digits से काफी difference पड़ जाता है. So no need to worry. जिनका 36.8 इस रेंज में है, दैट इज ऑल करेक्ट. वेल डन, लगभग सारे लोगों ने सही आंसर दिया है, बहुत सही जा रहा है सेशन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम जनरल बीइंग. ओके, सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 9. ओके, लेट्स डू इट क्विकली. टेक अ स्क्रीनशॉट, अटेम्प्ट इट. ओके 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 माय डियर. So a full general bearing has a general diameter. Diameter of the general is given. General means the portion of the shaft lie inside the bearing. That part is known as general. The bush having diameter of 25.038. So now the radial clearance or diametrical clearance are known. So my diametrical clearance is 0.038 mm. और वी कैन राइट रेडियल क्लियरेंस इज 19 mm. ओके, एल बाई डी रेशियो इज यूनिटी. सो इट इज द केस ऑफ स्क्वायर बीरिंग. द लोड इज 1.1 किलो न्यूटन एंड द जनरल रन एट 18.33 आरपीएस. वेरी गुड, क्योंकि यहां इस पूरे चैप्टर में आरपीएस में ही डेटा भरते हैं. एवरेज विस्कोसिटी, विस्कोसिटी इज गिवन. वी कैन राइट विस्कोसिटी एट जेड एंड दैट इज that small m means milli pascal second. So that is 0.0552 pascal second. So that all datas are given. Okay, so now the minimum film thickness variable is given and CFV coefficient of friction variable is given and he is asking for summer field number, minimum film thickness and frictional torque. It is a very simple question my dear. बहुत जल्दी से उसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये दो वेरिएबल जो दे दिए जाते हैं ना तो क्वेश्चन बहुत आसान है. बस आपको याद होना चाहिए यार मिनिमम फिल्म थिकनेस वेरिएबल क्या होता है और सीएफवी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वेरिएबल क्या होता है. आई होप तो मेरे मेंबर है. सो
मिनिमम फिल्म थिकनेस वेरिएबल, क्या हम जानते हैं दैट इज एच नॉट पाई सी वन. सो एम एफ टी वी इज डायरेक्टली गिवन एंड दैट इज गिवन 0.58 एंड एच नॉट ही इज आस्किंग फॉर एंड रेडियल क्लियरेंस इज 0.019. एक एक लाइन के क्वेश्चन है माय डियर, एक एक लाइन के दो मार्क आएगा गेट में. एंड एच वैल्यू इज 0.011 mm. दैट इज द फर्स्ट आंसर. सी एफ वी कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन वेरिएबल याद होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा. ये होता है एफ आर बाई सी वन, दैट इज 4. कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन एफ, रेडियस 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 डायमीटर इज 25, रेडियस 25 बाई 2. सी वन सी वन इज 0.019. सो हियर यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एफ एंड दैट इज 0.006. एंड ही इज आस्किंग फॉर समरफील्ड नंबर. सो समरफील्ड नंबर, सो दैट इज योर फर्स्ट आंसर. समरफील्ड नंबर इज जेड एन बाई पी आर बाई सी वन का स्क्वायर. जेड इज 0.055 एन इन आर पी एस एंड इट इज डायरेक्टली गिवन टू द आर पी एस एंड वट इज द वैल्यू ऑफ एन दैट इज 18.33. पी पी डब्ल्यू अपॉन एल डी, रेडियस इज 25/2 एंड रेडियल क्लियरेंस इज स्क्वायर. सो द ओनली थिंग रिमेनिंग पुट द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू एंड एल डी. सो नाउ प्लीज डू सम कैलकुलेशंस. W load value is given, that is 1.1. So 1100 L and D both are 0.025 square and that is 25.2 into 0.019 square. And my dear, you can find out the value of Summerfield number. I have the answer. Ye hai hamara Summerfield number aayega 0.248. डायमेंशन लेस नंबर होता है आई थिंक. ओके ऑल आर करेक्ट, सबके आंसर सही है भाई. आई उस कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया आपने, बाकी तो सही है. 248 नहीं 0.248. ओके ओके वन मोर थिंग, फ्रिक्शनल टॉर्क इज आस्किंग फॉर. डायरेक्टली वी रिमेंबर द फॉर्मूला एफ डब्ल्यू आर. एफ इज 0.006, डब्ल्यू इज 1.1, R is 0.025/2. So frictional torque you can find out, that is 83.6 Newton meter. Hope all okay with this problem. ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है. क्विकली सॉल्व कर देते हैं इसको हम लोग. आई थिंक कलर इज नॉट विजिबल टू यू, सो लेट मी चेंज द कलर. लेट मी चेंज द कलर. यस नाउ इट इज विजिबल, अब दिख रहा होगा भाई. जनता को दिखना जरूरी है. आई उस पेट्रोफ नंबर से भी आप निकाल सकते हैं. कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लेंदी पड़ेंगे, आप टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं जब ये वेरिएबल्स दिए हैं ना, बहुत जल्दी हो जाता है. उससे भी करोगे आंसर मिलता जुलता आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा. हाँ मार्क नहीं कटेंगे, आंसर सही भी होगा, पर जब वेरिएबल्स दिए हो तो उससे करो यार, कितने जल्दी हो गया.
नेहा, एफ निकाला है हमने लास्ट क्वेश्चन में, एफ निकाला है सीएफवी से, कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन वेरिएबल, वैल्यू याद होनी चाहिए, कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन वेरिएबल होता है एफ, कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू आर डिवाइड बाय सी वन। गो थ्रू द क्लास नोट्स यार। सीएफवी ये पुराने क्वेश्चन का है, सीएफवी गिवेन है, कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन वेरिएबल एफ, कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन आर अपॉन सी वन। ओके ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन, सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बस इंफॉर्मेशन के लिए, ताकि मैं आपको याद दिला दूं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेस आर एसोसिएटेड विद टाइटनिंग नट एंड बोल्ट, जो हम नट में बोल्ट टाइट करते हैं कहां कहां कौन सी स्ट्रेसेस आती है। मैं ऐसे ही बोल देता हूं, फिर ऑप्शन मैच कर लेंगे। सुन लो पहले, मैं सारे आंसर बोल देता हूं। देखो, बोल्ट, बोल्ट के हेड में क्रसिंग, बोल्ट के सेंक में, बोल्ट के सेंक, बोल्ट का हेड क्रस होता है, बोल्ट का सेंक स्ट्रेच होता है, मतलब टेंसाइल, बोल्ट के थ्रेड में आती है, बोल्ट के थ्रेड में आती है क्रसिंग और सीयरिंग, और बोल्ट में ट्विस्टिंग फील होता है जब रिंच से आप टाइटनिंग करते हो, मतलब बोल्ट में ट्विस्टिंग भी होता है, थ्रेड में सीयर और क्रस होता है, बोल्ट के हेड में क्रसिंग होता है, बोल्ट के सेंक में टेंशन होता है। ठीक, फिर आ जाता हूं नट पे। नट में क्रसिंग होता है ड्यू टू वॉशर, बोल्ट नट के थ्रेड में क्रसिंग एंड सीयरिंग होता है, और ट्विस्टिंग नट को भी फील होता है ड्यूरिंग टाइटनिंग ओनली, उतनी देर तक जब तक टाइट करोगे। प्लेट्स में कंप्रेसिव होता है, वाशर में भी कंप्रेसिव होता है, और कभी कभी बोल्ट को जब प्लेन, उसके बोल्ट के हेड के प्लेन से अनइवन प्लेन की प्लेट में टाइट करते हैं तो बोल्ट बेंड भी हो सकता है, जनरली ऐसा नहीं करते। ऑप्शन पढ़ते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस ड्यू टू स्ट्रेचनिंग, करेक्ट। ओके, बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग ऑफ बोल्ट, ये नहीं होता इन जनरल, नहीं होता जब तक बोल्ट के हेड का प्लेन और प्लेट का प्लेन पैरेलल है, ये नहीं होगा। अब ऐसा तो कहीं मेंशन है नहीं, जनरली तो बोल्ट हम नॉर्मल प्लेट्स में ही टाइट करते हैं ना, तो ये स्टेटमेंट कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। क्रसिंग एंड सीरिंग स्ट्रेस इन द थ्रेड, ऑल आर करेक्ट। टॉर्सनल स्ट्रेस ड्यू टू फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, दैट इज करेक्ट, और हम जानते हैं ये केवल उतनी देर तक होता है जब तक हम टाइटनिंग करते हैं, पर ऐसा नहीं लिखा, लेकिन अब जनरली तो सही मानेंगे इसको। सो आई थिंक द करेक्ट आंसर इज ओनली टू इज इन करेक्ट, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी माई डियर। आई होप कॉन्सेप्ट इज ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम माई डियर, नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट इज अगेन, लेट मी चेंज द कलर। सो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम क्लच, आई थिंक दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। ओके, सो अटेम्प्ट इट, ओनली टू लाइन सोल्यूशन एंड अ वेरी गुड, वेरी ट्रिकी प्रॉब्लम फ्रॉम क्लचेस। ओके ओके माय डियर, ए सिंगल प्लेट क्लच इफेक्टिव ऑन बोथ साइड, ओके, इट मींस एन वैल्यू इज टू, यूज टू ट्रांसमिट पावर एट 1000 RPM, द आउटर डायमीटर ऑफ द क्लच इज 100 mm ड्यू टू लिमिटेड स्पेस, इट मींस यू कैन नॉट एक्सीड दिस डायमीटर फर्दर। ओके, सो दैट इज आर नॉट इज फिक्स एंड दैट इज 50 mm, दैट इज फिक्स 50 mm।
ओके, फाइंड आउट द मैक्सिमम पावर. इट मींस यू हैव टू ट्रांसमिट मैक्सिमम टॉर्क. सो मैक्सिमम पावर रिप्रेजेंट मैक्सिमम टॉर्क. ओके, सो टू ट्रांसमिट मैक्सिमम पावर यू हैव टू ट्रांसमिट मैक्सिमम टॉर्क. सो यू हैव टू मैक्सिमाइज दिस टॉर्क. ओके, एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.4 एंड परमिसिबल प्रेशर इज लिमिटेड टू 1.5 मेगापास्कल ऑन द लाइनिंग. ओके माय डियर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लच. सो डायरेक्टली क्लच मींस ओल्ड क्लच. क्लच मींस ओल्ड क्लच. क्लच मींस ओल्ड क्लच. ओके, सो क्लच मींस ओल्ड क्लच. And the formula for UWT, because in old clutch we use uniform wear theory, that is mu pi P permissible RI R0 square minus RI square. And to transmit maximum torque, you have to maximize this, and here you can vary only RI because RI is not given in the problem. So can you feel this torque is a function of RI only? तो डिफरेंशिएट करेंगे इसको हम लोग, पुट करेंगे जीरो. यू कैन इजीली डिफरेंशिएट, ऑल अदर टर्म्स आर कांस्टेंट. सो यू फाइंड दैट आर नॉट एंड आर आई रेशियो इज रूट थ्री टू ट्रांसमिट मैक्सिमम टॉर्क, और यू कैन से टू ट्रांसमिट मैक्सिमम पावर. ठीक है, ठीक है माय डियर. तो अब हमें आर नॉट गिवन है 50 mm, तो आर आई भी मिल गया, एंड दैट इज 50/√3, एंड दैट इज 28.86. एंड नाउ यू कैन फाइंड आउट द मैक्सिमम टॉर्क, that is mu pi p permissible ri r naught square minus ri square. But remember, it is effective on both side, so here you have to multiply by n, and n is 2. So put all data here, that is 2. Coefficient of friction is given, that is 0.4, pi pressure is 1.5, ri is 2886.05 square, so now you can find out this maximum torque. I have this answer. I think you got the value around. क्लच मीन्स ओल्ड क्लच, कैसे डिसाइड नहीं करेंगे, डिसाइड है ये. क्लच मीन्स ओल्ड क्लच, दैट इज अराउंड 241.82. So how much this torque, 2 into, please tell me this value, torque value aap bataiye jaldi se. One 81.27.
Okay, so that is 181.27 newton meter. And now you can find out the maximum power. That is 2 pi and T max by 60. So please confirm the answer. I have this answer is 18.99 kilowatt, or you can say 19 kilowatt. I hope that answer is correct. Okay, so let's come to the last problem of this session. So my dear, ek aakhri chapter hi bacha hai, break, ek hi question karaunga, behtareen question hai, gate tricky poochta hai, jaise ye clutch ka question bahut important hai, aaj ke baad ye ek result yaad rakh lo, maximum torque transmit karne ke liye outer dia inner dia ka ratio clutch mein hota hai root 3. एक और क्वेश्चन करते हैं, सेशन को एंड करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैंने हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन को उठाया है ताकि आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज हो सके. कोई पढ़ाना मेरा एम नहीं था माय डियर, ना आपका टाइम वेस्ट करना है. सेशन छोटा था, सिंपल था. आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे. ओके माय डियर, सो दैट इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम ब्रेक एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 12. जिनको भी डाउट वगैरह आए हों आज के किसी क्वेश्चन में, आप मेडी जी के टेलीग्राम चैनल पे मुझसे पूछ सकते हैं आफ्टर दिस सेशन. ओके, सो अगर डाउट आता है, वैसे तो जनरली एक्सप्लेनेशन में क्या डाउट आएगा, आपने पढ़ा है अच्छे से तो ऑल क्लियर है. लास्ट क्वेश्चन रन करते हैं, फिनिश करते हैं, जल्दी से अटेम्प्ट करिए दैट क्वेश्चन फ्रॉम ब्रेक. Attempt it, 1 minute for you. ओके, सो सॉल्व करते हैं इसको. ए फोर व्हीलर ऑफ मास 200 kg मूव्स ऑन यूनिफॉर्मली स्ट्रेट लाइन विद व्हील रिवॉल्विंग. व्हील स्पीड इज गिवन, द व्हील्स आर आइडेंटिकल. ओके, ईच व्हील विद रेडियस 0.2 मीटर. Then a constant braking torque is applied on the wheels. The vehicle experiences a uniform deceleration so that it will stop at 50 meter distance. Find out the braking torque per wheel required. Okay. So let me solve. So my dear, there is a vehicle. Let us assume this is the truck, and that truck is moving. So a simple concept of brake, the energy absorbed by the brake is equal to the energy reduced of the clutch between initial and final. So energy of truck initially minus energy of truck finally is equal to energy absorbed by brake. Okay,
So, my dear, four wheels are there, and each wheel having brake or having braking torque TF, and suppose a wheel rotate and an angular displacement theta, so torque into theta, that is the simple energy absorbed by the brake. And what is the energy difference of energy difference of truck initially and finally after braking and before braking? So truck having translation kinetic energy, truck wheels having half I wheel omega initial square minus omega final square, W represent wheel, and sometime some height will change, Z minus Z. So it is directly written that truck is moving on a plane surface, so that term is zero. Z initial and Z final are same. Okay. बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं, बार बार मैं बोल दूं, वो कहते हैं ट्रक का जो आई है वो ट्रक का आई यहां भर देते हैं. माय डियर, आई व्हील का लेना है, मास किसका दिया है? ट्रक का. ट्रक के मास और व्हील के आई में कोई रिलेशन नहीं है. व्हील इनर्सिया इज नॉट गिवन. कई लोग एमआर स्क्वायर बाई टू कहते हैं, व्हील डिस्क होगा, एमआर स्क्वायर बाई टू लगाएंगे, और पता क्या गलती करते हैं, ये वाला मास भर देते हैं एमआर स्क्वायर बाई टू में. अब एमआर स्क्वायर बाई टू में ये वाला मास भर दियो तो आप पता क्या करो, ट्रक घूम रहा है, ऐसा थोड़ा है. ट्रक नहीं घूम रहा है, ट्रक में लगे व्हील घूम रहे हैं. व्हील का इनर्सिया लेना है आपको, ओनली दैट पार्ट ऑफ एनर्जी यू हैव टू काउंट इट. सो माय डियर, व्हील इनर्सिया इज नॉट गिवन एंड व्हील मास इज ऑल्सो नॉट गिवन, सो दिस टर्म इज ऑल्सो निग्लेक्टेड. सो ओनली वी अज्यूम देयर इज ट्रांसलेशन एनर्जी ऑन द ट्रक. माय डियर, पुट ऑल डेटा हियर. हाफ मास इज 2000, इनिशियल वेलोसिटी, दैट रोटेशनल वेलोसिटी ऑफ द व्हील इज गिवन, दैट इज 10, एंड व्हील रेडियस इज गिवन एंड दैट इज 0.2, सो दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड. वी इनिशियल दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड. कई लोग नहीं निकाल पाएंगे तो लिख देता हूं भाई, आर ओमेगा एंड दैट इज जीरो. फोर दैट इज ऑब्वियसली पर व्हील. एंड व्हाट इज थीटा, हाउ मेनी रोटेशन दैट व्हील विल टेक, क्योंकि व्हील में ही तो ब्रेक लगा रहे हो, उसी में तो डिस्प्लेसमेंट होगा, उसी में तो स्लिप होगी. सो माय डियर, थीटा क्या होगा? थीटा होगा, यहां लिख देता हूं, थीटा होगा डिस्टेंस में 2 पाई आर डिवाइड करो, दैट इज द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, व्हील की पेरिफेरी को दूरी से डिवाइड करो, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकलेगा, इन वन रेवोल्यूशन 2 पाई एंगल विल कवर, सो दैट इज द थीटा, दैट इज 50 2 पाई अपॉन 2 पाई आर, एंड आर व्हील रेडियस इज गिवन एंड आर इज 0.2. सो हियर यू कैन फाइंड आउट दैट पर व्हील, सो कैलकुलेशन ऑन यू, आई थिंक यू हैव गॉट द वैल्यू, दैट इज 4 न्यूटन मीटर. सो दैट्स ऑल फॉर द मशीन डिजाइन. माय डियर, जितना मुझसे बन सका मैंने ट्रिकी क्वेश्चन उठाए आपके सामने, एक जनरल रिवीजन आपका हो गया, ज्यादा डिटेल में तो बात कर नहीं पाए, ना मेरा एम आपको एंटरटेन करना है. इस सेशन में जो भी डाउट हो आप टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं, मेड जी के चैनल पे अभी डाउट सेशन खुला हुआ है हमारा गेट तक. ओके, सो माय डियर, बेस्ट विशेस फॉर यू, ख्याल रखिए, कोविड से बचा के रखिए अपने आप को, अपनी फैमिली को, और मन लगा के पढ़ाई करते रहिए. मेरी बेस्ट विशेस हमेशा आपके साथ हैं. माय डियर, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में या जब भी हम मुलाकात हो सके. आई एम एगरली वेटिंग फॉर यू. ओके, जय हिंद.